आप देख रहे P20 न्यूज। सहारनपुर, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को नशे की आदत ने आखिरकार कलंकित कर ही दिया है, जिसके चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर विस्तार से आपको बता दें कि आज पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकारों के समक्ष पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि थाना चिलकाना क्षेत्र के सुल्तानपुर मोहल्ला कोठीवाला में एक विवाहिता ने अपने पति की हत्या कर डाली। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को मृतक के भाई रविंद्र ने थाना चिलकाना में मृतक की पत्नी रामवती पर हत्या का आरोप लगाया, जिस पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वहीं रामवती ने पति की हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि उसका पति नशे के काफ़ी आदी था तथा नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता था, जिसके कारण मृतक सतपाल की पत्नी अत्यधिक तंग हो गई और 11 अप्रैल को जब वह उसके साथ नशे की हालत में मारपीट करने लगा तो रामवती ने अपने गले के दुपट्टा से सतपाल का गला घोंट दिया, जिसके चलते सतपाल की मौके पर ही मौत हो गई। सहारनपुर से क्राइम ब्यूरो लक्ष्मी बडोनी की रिपोर्ट। जी सर, ये क्या मामला है और किस तरह से इसे पकड़ा है, कैसे शक हुआ कि इसने अपने पति को मार दिया? कल दोपहर करीब 1:30 बजे दोपहर को सुल्तानपुर देहात थाना क्षेत्र तिलकाना से खबर आई थी, एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक डेड बॉडी है जो घर में रखी हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में रखी हुई है। जब पुलिस वहां पे तुरंत पहुंची तो उसको सतपाल नामक वो युवक था जिसकी डेड बॉडी थी। घर वालों से पूछताछ हुई और जो आखिरी रात उसके साथ कौन कौन था उनसे पूछताछ हुई तो बात ये निकल के आई थी कि उसकी जो उसकी खुद की पत्नी थी जिनका नाम रामवती है, उन्हीं के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। रात को चुन्नी से गला घोट के मर्डर कर दिया था। जब उनसे पूछताछ पे इसका कारण पूछा गया तो बताया गया कि ये सतपाल द्वारा काफी नशा किया जाता था, शराब पी जाती थी, उसके बाद इसे मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। इसकी शादी को कितना वक्त हो गया था और कितने बच्चे हैं और क्या ये पहले भी कभी जेल जा चुका है? जी, इनकी शादी को करीब 7 से 8 साल हो चुके हैं। इनका ये जो अभियुक्ता है, इनकी शादी इसी के एक बड़े भाई से हुई थी जिनकी मौत होने के बाद ये इनके साथ रहने लगी थी, और जो इनकी एक 9 साल की लड़की है वो पहले भाई के साथ, जो इनके मकर जिसका नाम था, उनके साथ इसकी एक लड़की है और ये पहले जेल नहीं गई है। नहीं, इनका पति पहले जेल था। जी नहीं, इसका आपराधिक इतिहास ऐसे कोई उसमें नहीं है, मतलब गया होगा, मतलब गया हुआ है, चोरी वोरी में गया होगा। जी जी हाँ, स्थानीय थाने से कुछ ये की सूचना मिली है कि पहले भी ये चोरी के कुछ मुकदमों में ये जेल जा चुका है। जी कह सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि काफी नशा करता था, ये शराब का काफी आदतन था, इसकी वजह से इनके बीच में घरेलू तनाव रहता था। मारपीट की भी काफी बार सूचना मिली है। इनफैक्ट इसके द्वारा जब पूछताछ की तो उसने बताया कि 2-3 बार वो 112 पुलिस को बुला भी चुकी थी, जिसमें हर बार पुलिस ने हिदायत देकर दोनों पक्षों को सुलह करवा दी जाती थी। और फाइनली परसों इस तरह रात को शायद इस तरह की घटना हुई होगी जिसमें इसने कदम उठा लिया है।